और अपोजिशन को पंजाब की तरक्की पसंद नहीं, इसीलिए तब्दीली की खबरें फैलाते हैं। नैब में जुलूस लेकर नहीं, जाती तौर पर पेश होंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लीगी क़यादत पर तंज, कहा बरवक्त और मौसर इकदामात की बदौलत सूबे में तमाम सरगर्मियां बहाल हो गईं। मुहर्रम में भी बेहतर इकदामात किए जाएंगे। कोरोना खत्म नहीं हुआ, एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखना होगा। महंगाई और कीमतों में इजाफे की सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहा हूं। सूबे में जो तरक्की हो रही है वो उनको पसंद नहीं है, तो वो इस तरह की बातें फैलाते हैं। मैं क्यों जुलूस के साथ जाऊं? हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमने इम्प्लीमेंट किया, उसके जो रिजल्ट निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अनप्रेसिडेंटल है कि जितना नुकसान होना था उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। और आज से पूरे पंजाब के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो तमाम एक्टिविटी हैं वो खुल गई हैं और तमाम चीज़ें नॉर्मल रूटीन पे आ गई। माँ सिवाय जो मेजर पब्लिक गैदरिंग और जो स्कूल्स हैं उसके अलावा तमाम चीज़ें अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गई हैं। मुहर्रम डे के ऊपर भी पूरी मॉनिटरिंग होगी और इसके लिए हमने आर्मी और रेंजर्स की भी रिक्विजिशन हम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन काफ़ी बेहतर है बनिस्बत बाकी जो जितने सूबे हैं वहाँ पे। जहाँ तक प्राइस कंट्रोल किया है इसको रेगुलरली अभी इंशाल्लाह हम मॉनिटर कर भी रहे हैं और इसकी इंशाल्लाह मैं खुद भी करूँगा, आप देखेंगे काफ़ी बेहतरी है।